नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हिंसक घटनाओं के बाद आखिरकार उत्तराखंड के हल्द्वानी में शांति बहाल हो रही है। शनिवार को नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा पुलिस थाना इलाके में कर्फ्यू में ढील भी दी। जैसा कि आप भी जानते ही हैं कि 8 फरवरी को उत्तराखंड सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अवैध मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने के बाद वहां पर हिंसक झड़पें हुई थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि पत्रकार और पुलिस वालों समेत 100 से भी ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। हल्द्वानी की इस सांप्रदायिक हिंसा के बीच नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का नाम भी खासा सुर्खियों में रहा था। वो वहां पर तनाव कम करने में एक नायक की तरह उभर कर सामने आई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बनभूलपुरा में अवैध रूप से निर्मित मदरसे के विध्वंस से संबंधित उनके फैसले की आलोचना भी की, और इसी कड़ी में आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #arrestvandanasingh ट्रेंड करवाया जाने लगा। हल्द्वानी दंगे के दोषियों के बचाव में लिबरल लॉबी का इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और वो नैनीताल की डीएम वंदना सिंह के खिलाफ #arrestvandanasingh चलाने लगे। वंदना सिंह के खिलाफ एक वीडियो मौलवी काजी का भी दिखाया जा रहा है, जिसमें डीएम साहिबा कह रही हैं कि हिंसा के समय मौलवियों के फोन आखिर क्यों बंद थे। इस पर मौलवी साहब इधर से कह रहे हैं कि फोन बंद नहीं थे। फिर मौलवी साहब से जब ये पूछा गया कि जब हिंसा हो रही थी तब आप कहां थे, आपने महिला पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए क्या प्रयास किया, तो इस पर वो खामोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि डीएम साहिबा ने हमें जलील किया और मीटिंग से चली गई। वंदना सिंह के कड़े तेवर ही इसकी वजह बने कि अब्दुल मलिक जैसे इतने बड़े भू माफिया के घर की कुर्की हो गई, उसके घरों के दरवाजे निकाल करके प्रशासन के लोग ले गए। हल्द्वानी के अलावा अब्दुल मलिक की जहां जहां भी संपत्तियां थीं उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। हरियाणा के नसरुल्लागढ़ की रहने वाली वंदना सिंह उत्तराखंड कैडर की 2012 बैच की IAS अधिकारी हैं। कन्या गुरुकुल भिवानी से संस्कृत ऑनर्स और BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से LLB की पढ़ाई करने वाली वंदना सिंह ने 24 साल की उम्र में ही अपने पहले अटेम्प्ट में ही UPSC परीक्षा पास कर ली थी और 8वां रैंक भी हासिल किया था। इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वो जिले की पहली महिला CDO बनी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वंदना सिंह ने 2017 और 2020 के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया था। 2020 में वंदना सिंह को रुद्रप्रयाग के DM और फिर 2021 में अल्मोड़ा के DM के रूप में नियुक्त किया गया और वो 17 मई 2023 से ही नैनीताल की DM के रूप में काम कर रही हैं। तो ये थी हल्द्वानी हिंसा मामले में अपने एक्शन से लेफ्ट लिबरल लॉबी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आई DM वंदना सिंह से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।